छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम का भाग्य लिखे जाने के बाद सभी पार्टियों के दिग्गजों ने राजस्थान और तेलंगाना में ढेरा डाल दिया है। अभी आप सुन भी रहे थे अमित शाह को। राहुल गांधी तेलंगाना में ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह राजस्थान में रैलियों का रैला निकाल रहे हैं। केसीआर की जगह तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए शहर शहर रैलियों का रेला निकाल रहे राहुल गांधी ने शमशाबाद की एक जनसभा में चंद्रशेखर राव की सरकार पर नौजवानों को धोखा देने का आरोप लगाया, तो वहीं अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन का झुंझुना थमा दिया। केसीआर जी ने 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, एक ही परिवार को उन्होंने रोजगार देने का काम किया, उनके परिवार के सब लोगों को रोजगार दिया। कुछ ही दिन पहले केसीआर जी ने कहा अगर वो चुनाव हारेंगे तो वो घर जाके सो जाएंगे। बिल्कुल सच है, मगर केसीआर जी आप जब घर जाके सोगे आप 300 करोड़ रुपए के घर में सोगे, मगर जो आपने तेलंगाना की जनता को वायदा किया था डबल बेडरूम घर देने का, वो तो आपने पूरा नहीं किया। तेलंगाना के जरिए 2019 पर नजरें गड़ाए राहुल गांधी ने हमेशा की तरह यहां भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार और कर्ज माफी के जिक्र के साथ चौकीदार कहने से भी वो नहीं चूके। मोदी जी और केसीआर जी बैंक के दरवाजे सबसे अमीर उद्योगपतियों के लिए खोलते हैं, उनको बैंक लोन दिलवाते हैं। हम बैंक के दरवाजे तेलंगाना के करोड़ों युवाओं के लिए और किसानों के लिए खोलेंगे और तेलंगाना के लाखों एंटरप्रेनर्स तेलंगाना के लिए रोजगार पैदा करेंगे। तेलंगाना में जिस वक्त राहुल गांधी पीएम मोदी और बीजेपी पर आरोपों की बारिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त राजस्थान में बीजेपी के चाणक्य कांग्रेस पर हमलावर थे। करौली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर राजस्थान को धोखा देने का आरोप लगाया, तो कांग्रेस आला कमान को भी आड़े हाथों लिया। जिनको भारत माता की जय बोलते हुए शर्म आती है उसको इस देश का अन्न खाने का अधिकार है क्या? अपने नेताओं की जय उड़ाना पसंद करते हैं, इनको देश की राजनीति के अंदर इसका जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जहां जहां घूमोगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछेंगे कि भारत माता की जय आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? जनता 200 सीटों वाले राजस्थान और 119 सीटों वाले तेलंगाना में एक ही साथ 7 दिसंबर को मतदान है। बीजेपी की कोशिश राजस्थान में राज्य की सरकार बचाना है, तो वही कांग्रेस दोनों ही राज्यों में सत्ता चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।